हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रेजलूम के अंदर कुछ ट्रांजेक्शंस की कि हम लोग उनको कैसे यूज कर सकते हैं और कुछ और इफेक्ट हैं जो हर कोई यूज नहीं करता है या बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो उनको कैसे यूज करते हैं। प्लस हम लोग देखेंगे कि हम नॉर्मल पिक्चर का उसके अंदर स्लाइड शोज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमने मल्टी पिक्चर्स हमारे पास है तो उसका स्लाइड शो बनाना है तो हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं और कैसे उस जो है स्लाइड शो में ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। मैं आ गया हूं अपने होम स्क्रीन पे, रेजलूम पे। यहां पर मैं बिल्कुल स्टार्टअप से शुरू कर रहा हूं, तो यहां मैंने लेयर वन पे कुछ विजुअल्स डाले हैं। से मैं इस विजुअल्स को जैसे ही प्ले करता हूं, अब यहां पर अगर मुझे पहली लेयर से दूसरी लेयर के अंदर कुछ विजुअल्स प्ले करना है या चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इसके ऊपर एक जो है इसके ब्लेंड मोड लगा सकता हूं। काफी जो मेरे पास काफी है, जैसे मैंने क्यूब का लगाया तो क्यूब का लगाने के ऊपर मैंने ये विजुअल्स प्ले किया, और जैसे ही मैं इस वीडियो के लेवल को ऊपर उठाता हूं तो वीडियो मेरा कुछ है वो क्यूब की तरह रन करेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप यहां पर बहुत से मतलब आरजीबी में अगर करके दिखाता हूं तो यहां से जैसे ही आप करेंगे तो ये कुछ आरजीबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से लूमा की मैं देखेंगे, अगर मैं इसको करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे इसके जो है इस टाइप से ये विजुअल्स चेंज हो रहा है। यहां से आप कुछ और भी ले सकते हैं, टाइल्स ले सकते हैं। टाइल्स को हम लोग इस तरह से यूज करेंगे लाइक दिस। जैसे ही हम लोग किसी भी विजुअल्स को प्ले करते हैं और विजुअल्स की जो वीडियो फेडर है उसको ऊपर उठाएंगे तो हमारा कुछ ट्रांजेक्शन इस टाइप से हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा है, बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बट एक अच्छा ऑप्शन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शंस आती है हमारी कि हम लोग इनके ऊपर एक लेयर के ऊपर ही ट्रांजेक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एक लेयर के ऊपर कैसे यूज करेंगे उसको मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने 3 और 4 वीडियोस डाल दिए यहां पर, तो मैं यहां जाता हूं शॉर्टकट व्यू के अंदर। व्यू के अंदर यहां पर लिखा है शो लेयर ट्रांजेक्शंस कंट्रोल। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये एक तो फिल्टर यहां पर विजिबल हो गया है, आ गया। अब क्या है कि यहां अब पहले विजुअल से दूसरे में जंप करते हैं तो यहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका ट्रांजिशन बढ़ा देता हूं तो पहले से अगर मैं दूसरे में आता हूं तो थोड़ा ये मर्ज होके आएगा। ये देखेंगे मर्ज होकर आएगा। अगर मैं इसको तीसरा चेंज करता हूं तो ये विजुअल्स एक दूसरे में मर्ज होकर आएंगे। अब यहां पर भी आप ट्रांजेक्शंस लगा सकते हैं। ये तो मैंने लेयर टू लेयर बताया आपको, लेयर वन से लेयर टू में जब हम जंप करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग यहां पर भी इसको ट्रांजेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो एल्फा की जगह यहां पर मैं कुछ और ऐसे क्यूब किया, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो लिप लाइक ए क्यूब, ये क्यूब की तरह है मेरा जो विजुअल्स है वो चेंज होगा। ठीक है, तो आप इसमें भी लेयर टू लेयर भी यूज कर सकते हैं और लेयर से एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है, काफी मैसेज वगैरह आते हैं तो वो पूछते हैं कि सर हाँ, अगर हम कुछ स्लाइड शो वगैरह चलाना चाहें तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां मैंने लेयर 3 के ऊपर कुछ पिक्चर्स डाली है लाइक दिस, और ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर सेम टू सेम मैंने इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही है। तो जैसे मैं लेयर में जाता हूँ, इस लेयर को आप किसी भी लेयर के ऊपर जितने भी आपकी स्लाइड शोज की पिक्चर्स वगैरह है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देन उसको क्या करें, आप ऑटो पायलट कर दें। अब ऑटो पायलट करने से क्या होगा कि जो आपका जो है वो ऑटोमेटिक इस टाइप से स्लाइड शो बनता रहेगा। अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की, तो यहां पर आप चेक करेंगे पहली पिक्चर है, देखिए अभी जो आप पिक्चर देख रहे हो तो बहुत ही फास्ट फास्ट ये रिमूव हो रहा है, एक दूसरे से चेंज हो रहा है, पिक्चर्स बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन आप जहां आ जाएंगे क्लिप के अंदर, यहां पर आपको इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड लिखा है,
लेकिन अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको प्लस करेंगे तो ये 2 सेकंड इस टाइप से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और अगर आप इसको -2 से ये -2 करेंगे तो आपका ये इस टाइप से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक एक पिक्चर को आप सिलेक्ट करें एंड जितना इस पे रखना चाहें उतने सेकंड्स इसको यहां से रख सकते हैं। अगर मैं 8 सेकंड्स की बात करता हूं, तो अगर मैं पिक्चर को 8 सेकंड रखना चाहता हूं, तो मेरी जो पिक्चर है वो 8 सेकंड यहां पर स्टिल रहेगी, और देन उसके बाद में चेंज होगी। अभी आप देखें तो ये बड़ा ही आराम से स्मूथ अभी वेट कर रहा है और आराम से पिक्चर्स चेंज हो रही है। आप यहां से अगर इसका कुछ ट्रांजिशन चेंज करना चाहें तब भी आप कर ले सकते हैं। जैसे इसमें इसको नॉइजी किया, तो अब देखिए ये पिक्चर कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगी, और ये देखिए अभी कुछ और टाइप से ये चेंज हो रही है, मर्ज हो रही है। तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी आप टाइल्स में लगाना चाहें तो आप देखेंगे ये पिक्चर्स जो है वो मेरा वो टाइल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, लाइक दिस, ये देखिए। तो आप इस टाइप से किसी भी जो पिक्चर्स है उनका स्लाइड शो बड़े ही इजी वे में बना सकते हैं। तो अगर आपको पिक्चर बनानी है या आपको वीडियो या आपको विजुअल्स के ऊपर ट्रांजिशन लगानी है, तो ये बहुत अच्छा जो है इनबिल्ट ही सब कुछ दिया हुआ है। तो प्लीज इसको ट्राई जरूर करें, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।